इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर, क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो लो भाई, 2 दिन पहले बवाल मचा, पड़ोसी मुल्क में हुए कोहराम से हर कोई सन्न रह गया। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, सेना के हेलीकॉप्टर से चढ़ी और फिर फुर्र हो गई। उधर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का दुनिया पोस्टमार्टम करने में जुटी ही थी और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती उसके पहले ही बांग्लादेश में नई सरकार बनाने की तैयारी तो हो ही गई। हालांकि इस दौरान बीते 2 दिन बांग्लादेश में रहने वाले कई लोगों के लिए काल साबित हुए। हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिरों में आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई, शेख हसीना की पार्टी के लोगों को निशाना भी बनाया गया, उनकी जान तक ले ली गई। पीएम के घर में घुसकर ऐसी गंदी लूट मचाई कि देखने वाले शर्मसार हो जाए। बताइए, ब्लाउज और अंडरगार्मेंट्स हाथ में लेकर फोटो खिंचाते कथित आंदोलनकारी नजर आए। इस तस्वीर ने ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि आरक्षण के नाम पर आंदोलन खड़ा करने वालों की मानसिकता क्या होगी? क्या वाकई में ये वो लोग थे? इस तस्वीर ने फिर यह बता दिया कि बगैर नेतृत्व का आंदोलन कैसे लूट खसोट आगजनी हत्या और तोड़फोड़ में तब्दील हो जाता है। जो खेल को खेलने वाले लोग हैं इसकी आड़ में कैसे अपना गेम सेट कर जाते हैं। तो आज की ताजा खबर क्या है? खबर यह है कि 3 दिन चले बवाल और हंगामे के बीच बांग्लादेश में नई सरकार तय होने जा रही है। अंतरिम सरकार जिसकी कमान होने वाली है मोहम्मद यूनुस के हाथ में। मोहम्मद यूनुस कौन है बताएंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि कब कैसे बन रही है बांग्लादेश में सरकार। हालांकि ये तो शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के कुछ घंटों में ही साफ हो गया था कि अब वहां पर नई सरकार बनेगी। बाकायदा इसे लेकर वहां की सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, याद होगा आपको तस्वीरें। और फिर यह कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम अंतरिम सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों से बातचीत कर रहे हैं। बात दरअसल यह है कि शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा था और इस बीच नए प्रधानमंत्री को लेकर मांग भी खड़ी होती जा रही थी। और ऐसे में सेना और प्रदर्शनकारी लीडर जो थे इनके बीच बातचीत हुई और निर्णय से ये आम सहमति बनी और ये फैसला लिया गया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार की रात 8 बजे ढाका में कराया जाएगा। अब नया इसमें क्या है? नया यह है कि शपथ ग्रहण के लिए पेरिस से नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। और क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो ढाका में बैठी शेख हसीना को दिन दहाड़े देश छोड़कर भागना पड़ता है, तो दूसरी तरफ पेरिस में बैठे नोबल पुरस्कार विजेता को ढाका बुला लिया जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह भी कि मोहम्मद यूनुस अप्रत्यक्ष तौर पर देश का नेतृत्व करेंगे, लेकिन सामने आई खबरों की माने तो तख्ता पलट के बाद नई सरकार के पीछे सेना बिल्कुल परछाई की तरह रहेगी। कहा यह जा रहा है कि देश में दोबारा ऐसे हालात न बने इसकी ये कोशिश है। क्या वाकई? सोचिए कि सेना के ही हेलीकॉप्टर में तो हसीना देश छोड़कर गई थी, यानी उन्हें यह हेलीकॉप्टर बाकायदा मुहैया कराया गया होगा। क्या कोई डील हसीना और सेना के बीच में हुई थी वहां की? ये सवाल मन में आता है। जाहिर तौर पर जैसा बवाल बांग्लादेश में मचा उसको देखें तो अगर हसीना वहां पर रुक जाती ठहरती तो उनकी जान तक जा सकती थी, लिहाजा उन्होंने देश छोड़ना मुनासिब समझा। मदद किसकी मिली? सेना की। उसी के हेलीकॉप्टर से वो उड़कर भारत पहुंची। हालांकि हसीना को अगर टारगेट करना होता तो वहां की सेना के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था उड़ने के बाद भी। खैर, बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल पर हिंसक रंग के बाद नई सरकार के गठन को लेकर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अब मोहम्मद यूनुस को ही बागडोर सौंपने की बात क्यों और कहां से आई ये भी समझ लेते हैं। तो बात यह है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लीडर्स, उनके लीडरान और सेना के बीच बातचीत हुई और फिर नाम तय हुआ अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का। उनको संदेश पहुंचाया और वो पहुंच गए ढाका। तो क्या यूनुस को पहले से इसकी भनक थी? क्या इसके पीछे वो थे, वे तैयार हो गए? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। सबसे बड़ी बात यह भी कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मुख्य विपक्षी पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया और खालिदा जिया को 2018 में गिरफ्तार किया गया था, तब शेख हसीना की भी सरकार थी। उधर कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के शपथ लेते ही बांग्लादेश में कई महीनों से जो प्रदर्शन चल रहा था उसका दौर रुक जाएगा। जनता इन प्रदर्शन की शुरुआत से ही ये चाहती थी कि शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सरकारी नौकरी में आरक्षण को लागू न करने का फैसला। हालांकि दिलचस्प पहलू यह है कि हाल ही में जनवरी के इसी साल जनवरी के महीने में बांग्लादेश में जो आम चुनाव हुए थे ना, उसमें हसीना की पार्टी को अवामी लीग जो है इसको 300 में से 224 सीट मिली थी।
खुद हसीना ने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी और उनके सामने जो प्रत्याशी खड़े थे उनको महज 500 से भी कम वोट मिले थे। इतना ही नहीं, हसीना बांग्लादेश की वो नेता थी जिन्होंने सबसे ज्यादा बार पीएम बनने का रिकॉर्ड और बड़े लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया। ये बात अलग है कि 2018 में जब बांग्लादेश में चुनाव हुए तो 80% वोट पड़े थे, वोटिंग परसेंटेज 80 था और इस बार 40 था। कारण ये कि विपक्षी राजनीतिक दल ने खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी उसने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया था। बीते दिनों तख्ता पलट और देश में नई सरकार के गठन की तैयारी के बीच अब कई अहम सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब नई सरकार को खोजना पड़ेगा। मसलन हिंसा की आग में जो देश जल रहा है उसके बाद सब कुछ सामान्य करने के लिए क्या कुछ किया जाए, कितनी जल्दी सामान्य हो जाए, आगे कौन कौन सी चुनौतियां हैं ये भी देखना पड़ेगा। क्या फिर से बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना की एंट्री हो जाएगी, वैसे उनके बेटे मना कर चुके हैं, और क्या इस हालात का देश की अर्थव्यवस्था पर जो असर हो रहा है उसको समय रहते कम कर लिया जाएगा। अंतरिम सरकार की बागडोर जो संभालने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर कहा क्या है ये सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार के बनने के बाद उनका पहला काम होगा देश में हर तरफ शांति बहाल करना। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके देश को इस बुरे दौर से बाहर निकाला जाए और हम इसके लिए सरकार बनते ही काम शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका जो अभी तक ये कह रहा था कि हम बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ उसने शेख हसीना का वीजा रद्द करने का काम किया। अब कह रहा है अमेरिका कि बांग्लादेश में बनने जा रही अंतरिम सरकार के साथ अमेरिका पूरी तरह से खड़ा हुआ है और वो काम करने के लिए भी तैयार है नई सरकार के साथ। उधर यूनुस ने अपने एक बयान में छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है और देश को चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि हिंसा का रास्ता विनाश की तरफ ले जाएगा। यूनुस को दरअसल गरीबों के बैंकर के रूप में जाना जाता है और उन्हें जरूरतमंद कर्जदारों को छोटे छोटे ऋण देकर गरीबी से लड़ने में अग्रणी बैंक की स्थापना के लिए साल 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अंतरिम सरकार में 15 सदस्य शामिल हो सकते हैं, खबर आ रही है, हालांकि नामों पर चर्चा बुधवार देर रात तक चलती रही। सेना प्रमुख जनरल वकर रज जमान की अगुवाई में सर्वदलीय चर्चा हुई और हसीना की अवामी लीग पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई। इसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया और उनके बेटे ने यह मांग भी कर डाली है कि 3 महीने, जी हां 3 महीने के भीतर राष्ट्रीय चुनाव कराए जाए। इसके साथ ही बांग्लादेश में भले ही अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी हो लेकिन यह मांग भी वहां पर हो रही है कि देश के चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह इस्तीफा शायद इसलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि जिस आरक्षण को लेकर यह पूरा हंगामा हुआ ना और तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उसे लेकर सरकार के पक्ष में यहाँ की कोर्ट से फैसला आया था और इसलिए शायद मांग हो रही। उधर पूर्व अरबी अफसर जो है उनको घरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां के लोगों ने हंगामा किया है। इतना ही नहीं, बात तो अब यह भी होने लगी है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पित करके वापस बांग्लादेश को दिया जाए। हालांकि इस पर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया है कि हम वहां रह रहे अपने भारतीयों की सुरक्षा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं क्योंकि कई सारे भारतीय वहां पढ़ाई करते हैं, जरूरत पड़ने पर भारत इस मामले में आगे कोई कदम भी उठाएगा। अब भारत बांग्लादेश का संबंध आगे कैसा हो जाएगा क्योंकि स्थिति तो बदल गई। पूर्व प्रिय पीएम शेख हसीना जब थी तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत दोस्ताना रहे मगर उनके हटते ही दोनों देशों के संबंधों में खटास सी आ गई ऐसा लगता है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत ये रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे इस बारे में अभी कुछ भी कहें तो वो जल्दबाजी होगी क्योंकि शेख हसीना के हटने के बाद अब खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का संभावित उदय हो सकता है। इसके अतीत में भारत के साथ संबंध बेहद तनावपूर्ण भी रहे हुए हैं लेकिन आगे क्या कुछ रहेगा ये तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, भारत के रुख पर निर्भर करता है, बांग्लादेश के रुख पर निर्भर करता है। हालांकि भारत हमेशा से ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम और पड़ोसियों को साथ में रखकर काम करने की मंशा भारत की हमेशा से रही है लेकिन बांग्लादेश का रुख क्या इस पर ऐसा ही कुछ रहने वाला है क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो केवल आंदोलनकारी छात्र इसके पीछे नहीं है बल्कि इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद हैं और बड़ी बड़ी ताकतें कौन कौन सी, पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि ISI उसमें शामिल थी, ये भी कहा जा रहा है कि चीन का इसमें हाथ है क्योंकि हाल ही में जब शेख हसीना गई थी चाइना के दौरे पर कहा गया था कि हम आपको इतनी रकम देंगे, बहुत बड़ी रकम थी वो,
और बाद में मात्र 900 करोड़ रुपए में कहा गया कि ये 900 करोड़ हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा वहां जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था शेख हसीना को, वो प्रोटोकॉल नहीं मिला, नाराज हो गई। और तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है जो चाइना को मिलने वाला था, उन्होंने कह दिया था कि हम भारत को दे रहे हैं, तो चाइना इससे नाराज था। इसके अलावा अमेरिका को लेकर भी जो शेख हसीना का रुख था, वो अमेरिका उससे बहुत नाराज हो गया कि आप हमको ऐसे, क्योंकि अमेरिका अपने आप को मुखिया समझता है ना, तो अमेरिका का उसकी नाराजगी अमेरिका की यहां पर नजर आई। और इस वजह से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कई सारे लोग इसमें शामिल थे। पाकिस्तान खुश शायद हो रहा होगा कि बांग्लादेश की हालत है, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मुल्क अलग हो चुका है। और अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। लेकिन ये खबर है कि गुरुवार को बांग्लादेश में नई सरकार बन जाएगी, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।